हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह से विंडोज 11 में रावी फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। रावी फॉन्ट एक ऐसा पंजाबी फॉन्ट है जिसको बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर टेस्ट के लिए या वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, इसके स्टेप्स में आपको सर्च पे जाना है। यहाँ पे आप टाइप करिए लैंग्वेज। लैंग्वेज टाइप करने पे जो मेन्यू खुलेगा, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। लैंग्वेज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेटिंग्स विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रेफर्ड लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश पहले से आ रहा है। अब मुझे पंजाबी चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करिए। ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका टाइटल है चूज अ लैंग्वेज टू इंस्टॉल। यहाँ पे आप पंजाबी टाइप करिए। यहाँ पे आप पंजाबी टाइप करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, पंजाबी अरेबिक, पंजाबी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी। रावी फॉन्ट करना है तो आपको यहाँ से पंजाबी गुरमुखी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये पंजाबी गुरमुखी फॉन्ट या रावी फॉन्ट आपके लैपटॉप पे या पीसी पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल करने के बाद अब इस पंजाबी फॉन्ट को यदि आपको यूज करना है तो उसके लिए देखिए, आप नीचे इस एरिया में सिस्टम ट्रे बोलते हैं इस एरिया को, यहाँ पे ईएनजी इंग्लिश दिख रहा है, यहाँ क्लिक करने पे अब देखिए यहाँ पे आपको पंजाबी गुरमुखी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप कोई भी ऐप जैसे वर्ड है या नोट पैड है या वर्ड पैड है, सपोज मैंने यहाँ पे भी वर्ड पैड ओपन करना है। देखिए, पहले यहाँ से मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा सेट। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वर्ड पैड, वर्ड पैड ओपन कर लीजिए। अब वर्ड पैड में यदि मुझे पंजाबी में टाइप करना है तो यहाँ पे जा करके मुझे यहाँ से पंजाबी गुरमुखी पे क्लिक करना पड़ेगा। और देखिए, अब यहाँ पे आपको पंजाबी फॉन्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे अब टाइप करूंगा तो देखिए ये बेसिकली पंजाबी में टाइपिंग शुरू हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से हम विंडोज 11 में रावी फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।